हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं जयपुर आ चुकी हूँ और यहाँ भी अभी क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है और दिवाली की सफाई वैसे तो हो चुकी थी काफ़ी, लेकिन अभी भी काम चल रहा है थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ वीडियो, लेकिन कल तक थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो मैं कल और आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको दिवाली के अवसर पर लाभ प्राप्त हो सके। और बहुत से भाई बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि दिवाली की विशेष पूजा के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बिल्कुल ज़रूर बनाऊंगी। और आपको यही मैं कामना करती हूं आपके लिए कि आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपके जीवन में अथाह धन संपदा हो, जिससे कि कभी भी कोई अभाव आपको ना झेलना पड़े। मित्रों, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन जो आपकी तिजोरी है या धन रखने का जो स्थान है, उसकी पूजा कैसे करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पूजा की जो सामग्री है वो तो सामान्य है और मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगी इसका। अभी आप सामान्य एक समझ लीजिए, लिख लीजिए इसको, वैसे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है कि एक तो रोली है और साबुत चावल, ये तो आप लेते ही हैं मूली वगैरह पूजा में, लेकिन इसके अलावा आपको साबुत धनिया लेना है। साबुत धनिया थोड़ा सा ले लीजिए और साबुत हल्दी लेनी है आपको, और एक कपड़ा लेना है लाल रंग का। तो लाल रंग का जो कपड़ा है, एक तो पहले तो सामान्य पूजा तिजोरी को पूरा नीट एंड क्लीन कर लीजिए खाली करके, और उसमें बिल्कुल खाली मत करना, एक कॉइन तो उसके अंदर छोड़ना शगुन का, और उसके बाद वापस से जमाना है आपको जो भी धन या जो भी जेवर वगैरह आप तिजोरी में रखते हैं। हालांकि आजकल घर में कोई रखता नहीं है, लेकिन फिर भी शगुन की जो पूजा है वो तो आपको करनी ही है। और लॉकर में भी आपको क्या चीज़ रखें जिससे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़े, इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो दे रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखना, और उसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मित्रों, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन जो आपके घर में जो तिजोरी आपने रख रखी है उसमें क्या ऐसी चीज़ें रखें। तो तिजोरी के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, एक तो साबुत धनिया और हल्दी ये ज़रूर होनी चाहिए, और लाल रंग के कपड़े में इसको बांधकर आपको रखना है। लेकिन इसके अलावा यदि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए बिल्ली की जेर, बिल्ली की जेर सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, और इसके लिए किसी भी, वैसे भी हमें किसी जीव जंतु को सताना नहीं है, उसको कष्ट नहीं देना है, लेकिन बिल्ली की जेर सहज रूप से मिल जाती है जहाँ पर लोग बिल्ली वगैरह पालते हैं। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि बिल्ली उस जेर को खा जाती है संतान को जन्म देते ही, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो लोग बिल्ली पालते हैं वो लोग इसके जानकार भी होते हैं और उनके पास कई बार मिल जाती है। तो यदि लकीली आपको मिल जाती है बिल्ली की जेर, तो वो आप अपनी तिजोरी में रखिए और अथाह धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है तिजोरी के अंदर आपको रखनी है, वो छोटा सा व्यापार वृद्धि, यदि आप बिजनेस करते तो व्यापार वृद्धि यंत्र रखें, या श्री यंत्र अथवा कनक धारा यंत्र एक छोटा सा आपको इसके भीतर रखना चाहिए। इसके अलावा काली हल्दी, मैं बता चुकी हूँ पहले, अब मेरी बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब लोगों का क्या कहें, ये बोल के बताते हैं कि आज हम आपको नए विषय की चर्चा कर रहे हैं, नए विषय, जबकि मैं उस विषय पर बहुत पहले वीडियो मित्रों बना चुकी हूँ। खैर, कोई बात नहीं, अगर किसी का कोई ज्ञान लेता है तो ज्ञान घटता नहीं है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, कहीं से भी फ़ायदा मिले। तो आपको ये काली हल्दी भी अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए, और इससे भी अथाह धन संपदा की मित्रों प्राप्ति होती है। इसके अलावा छोटा सा कुबेर यंत्र भी आप रख सकते हैं अपनी तिजोरी के अंदर, सामान्य पूजा में तो रखते ही हैं, लेकिन उसके भीतर भी आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। और जो पोटली में आप साबुत हल्दी और साबुत धनिया के, साबुत हल्दी के 3 टुकड़े ले लीजिए और कम से कम 11 दाने साबुत धनिया के ले लीजिए, और इसको लाल कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। आप चाहें तो इसमें एक गोमती चक्र भी रख सकते हैं, और गोमती चक्र पूजा पाठ की दुकानों में बहुत सस्ते मिलते हैं मित्रों, ऑनलाइन पता नहीं क्या इसकी रेट लगाते हैं लोग, अभिमंत्रित करने के नाम पे अथाह पैसा लूटते हैं। तो आपकी पूजा पाठ से सब चीज़ अभिमंत्रित हो जाती है मित्रों, और अभिमंत्रित का होने का ये चार्ज नहीं है कि वो चीज़ें 20,000-25,000 में आप खरीदें किसी से, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है और धन की बर्बादी है। तो मूर्ख मत बनिए, और आप इतने समझदार और इंटेलिजेंट लोग हैं तो थोड़ा अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए और अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। गोमती चक्र किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिल जाएंगे सहज रूप से, और उसको घर पे लाके गंगा जल से शुद्ध करके उसकी पूजा वगैरह करके आप अपने तिजोरी में रखिए। तो तिजोरी में ये चीज़ें रखने से आपको अथाह धन संपदा की मित्रों प्राप्ति होगी।
तिजोरी में कभी भी ऐसी पासबुक्स वगैरह ना रखें जिस बैंक में आपका कोई खाता नहीं है या आप उसको यूज़ में मतलब रनिंग नहीं है, वो डेड पड़ा है अकाउंट, तो इस तरह की चीज़ें ना रखें तिजोरी में। और भी व्यर्थ की चीज़ें ना रखें उसमें, जितना कैश आप रखते हैं या धन जो सॉरी आपका जो जेवर वगैरह रखते हैं वो रखें उतना, बाकी तो आप बैंक में ही रखते होंगे, घर में तो कोई रखता नहीं है, लेकिन घर में आप जितना भी रखते हैं उसको आप इस तरह से अभिमंत्रित और पूजित करके रखिए, तो आपकी तिजोरी में भी बरकत होगी और उन्नति होगी। और तिजोरी का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं आज का वीडियो मित्रों समाप्त करती हूँ, फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, मैं अवश्य ही जवाब दूंगी आपके सवालों के। बहुत बहुत धन्यवाद।